जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम पे, मैंने मैक्सिमाइज द फंक्शन, एक फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है गिवन यानी दी गई कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रह के, ठीक है, यानी इन कंडीशंस के अंदर रहते हुए हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। उसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट होता है जो कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा। अब उन कॉर्नर पॉइंट्स को मालूम करने के लिए हमने इन कॉन्स्ट्रेंट्स जो कि इनइक्वालिटीज हैं, इनकी इनको हमने ग्राफ किया, और ग्राफ करने के बाद हमारे पास ये कौन सा है ओवरलैप्ड एरिया आया, कौन सा ओवरलैप्ड एरिया है, ये ओवरलैप्ड एरिया तो बेसिकली बहुत ज़्यादा है इसमें। लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए अगर आप लाइन 3 और लाइन 4 की इक्वेशन यानी कंस्ट्रेंट यानी एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो या वाई जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, मतलब अगर क्वांटिटीज को जाहिर करें तो जाहिर वो पॉजिटिव होती हैं। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सॉल्यूशन सेट को देखा जाए तो हमारे पास वो जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो जाहिर है वो ये रीजन होगा। कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन जिसको मैं यहाँ अभी कलर करने जा रहा हूँ, ये वाला रीजन है हमारे पास जी, जिस जो हमारे लिए इंटरेस्टेड रीजन है, जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं। इन्हीं के अगर आप देखें तो ये हम अब दोबारा से हमारे पास एक क्या बन रही है, क्वाड्रिलैटरल बन रही है, चार कॉर्नर्स आ गए इसके, चार कॉर्नर्स, ठीक है। ये पॉइंट ए है, अगर आप देखें ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो बी है। इस पॉइंट को हम ई का नाम दे देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ई का नाम दे देते हैं, और ये पॉइंट जो है वो ओ पॉइंट है, ठीक है। अब चूंकि ये जो पॉइंट है, अगर ग्राफिकली चूंकि मैंने हाथ से ग्राफ ड्रॉ किया तो मेरे पास इतना क्लियर पॉइंट ये नहीं है, इसको प्रॉपर यानी इसको बिल्कुल एक्यूरेट मालूम करने का तरीका क्या है कि आप लाइन L1 और लाइन L2, L1 और लाइन, ये चूंकि लाइन L1 है, ठीक है, और ये लाइन L2 है, इन दोनों की हम जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें। अगर हम इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें तो हमारे लिए जो है वो फोर्थ जो कॉर्नर पॉइंट है वो आ जाएगा। तो थ्री जो कॉर्नर पॉइंट है, थ्री कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं दी थ्री दी कॉर्नर पॉइंट्स, दी कॉर्नर पॉइंट्स, तीन जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आर, एक तो है ये, तो है 4 0, ये कितना है 4 0, एब्सिसा इसमें 4 यानी 1 2 3 4 ऑर्डिनेट 0, ठीक है। इस तरह पॉइंट, एक पॉइंट है हमारे पास अगर आप ये देखें तो ओरिजिन भी, ठीक है, ओरिजिन भी हमारे पास एक पॉइंट के तौर पे ही आ रहा है, ठीक है, ओरिजिन जो है वो कितना है 0 0। इसी तरह से आप जो है वो इस कॉर्नर पॉइंट को देख लें तो हमारे पास एक और कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, डी पॉइंट था, सॉरी ये पॉइंट डी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ यानी डी पॉइंट था जो कि, चले ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट है हमारे पास डी जो कि कितना है 0 7, ठीक है। और पॉइंट ई, जो ई पॉइंट है वो हमारे पास अननोन है, इसको मैं एक्स वाई का नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास पॉइंट अननोन है, ई पॉइंट है जो हमारे पास अननोन है जो कि है एक्स वाई। अब इसको जब मालूम करेंगे फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे और फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट को मालूम करने के लिए, इस पॉइंट को मालूम करने के लिए आप दोनों क्रॉस्पोंडेंस इक्वेशन, क्रॉस्पोंडिंग इक्वेशन को जहाँ पे देख लें आप क्वेश्चन के अंदर क्रॉस्पोंडिंग इक्वेशंस क्या हैं, ये क्रॉस्पोंडिंग इक्वेशंस, इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, अगर इसको मैं यहाँ से अगर कॉपी कर लूँ तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ई, चले मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर ई, फॉर पॉइंट ई जो कि कितना है ई एक्स वाई है। अब इसको मालूम करने के लिए हम दोनों पॉइंट्स की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, ये वाई है तो जाहिर है हम इसके अगर कोफिशिएंट ई बराबर कर लें, ये एक वन है ये टू है, अगर मैं इसके कोफिशिएंट बराबर कर लूँ एक्स के तो इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा टू के साथ, तो ये बन जाएगा टू यानी मल्टीप्लाई बाय टू, तो 2x + 4y इज इक्वल टू 14, 2s are 28। आप सब्ट्रैक्ट करा दें नंबर 3 को 1 में से, तो माइनस माइनस और माइनस, 2x - 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, y - 4y - 3y और 8 - 28 कितना बन गया -20, -20, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा 20/3, 20/3। अब ये वैल्यू आप अगर x में डालेंगे, अगर आप किसी एक इक्वेशन में डालें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बाय इंसर्टिंग, चले बाय इंसर्टिंग y, बाय इंसर्टिंग y इन इक्वेशन टू,
इन इक्वेशन टू तो हमारे पास एक्स प्लस टू इंटू 20/3 इज इक्वल टू 14 आ गया। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास ये y, मेरे पास अभी स्पेस कम है तो यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया x के लिए, तो मेरे पास x कितना आया, x मेरे पास कितना मौजूद है 2/3। इसका मतलब है जो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है, वो कितना है, अभी मैं इसको यहाँ से चले, मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ यहाँ से इसको मैं, और यहाँ पे मैं असली पॉइंट लिखता हूँ, वो क्या है, एक्स मेरे पास है 2/3 और वाई है 20/3। तो ये हमारे पास चार पॉइंट्स आ चुके हैं, चार कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे हम अब फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं जी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब बारी बारी हम चारों पॉइंट्स को इस जो गिवन फंक्शन है, जो कि क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x+3y, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे 3y, ठीक है। और ये है कॉर्नर पॉइंट्स, ये हैं कॉर्नर पॉइंट्स। चलें जी बारी बारी हम देखते हैं और देखते हैं हमारे पास मैक्सिमाइज कहाँ पे हो रहा है फंक्शन। सबसे पहले हम ओरिजिन को देखते हैं, तो ओरिजिन तो 0, 0 के ऊपर है, तो जाहिर है ओरिजिन 0, 0 पे तो वो तो मिनिमम आपको वैल्यू दे देगा। इसमें आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, आपके पास 2x, यानी 2 × 0 + 3 × 0 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। यानी एफ ऑफ 0, 0 के ऊपर, ही आपको 0 वैल्यू देगा। ए के लिए अगर आप देख लें तो ए हमारे पास है 4, 0, तो एफ ऑफ 4, 0 अगर आप देख लें तो एफ ऑफ 4, 0 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × 4 + 3 × 0, तो कितना आ जाएगा, 8, 8, ठीक है। इसी तरह से डी पे देख लें, डी पे है 0, 7, तो एफ ऑफ 0, 7, कितनी वैल्यू दे रहा है, 2 × 0, 0 + 3 × 7, 21, तो 21 + 0, 21 ही आता है। अच्छा, ई पे देख लें, ई पे है हमारे पास 2/3 और 20/3, तो अगर आप फंक्शन को 2/3 और 20/3 के ऊपर इवेलुएट करें तो हमारे पास 2 × 2/3 + 3 × 20/3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 4/3 + 60/3, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा 64/3 को अगर मैं कैलकुलेटर पे करूँ, अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 64/3, आई गेट लाइक 21.33। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें 21.33, एक्चुअल अगर जो रियल वैल्यू है जिस पे 20.33 ज़्यादा आ रहा है, वो कौन सा पॉइंट है मैक्सिमम वैल्यू इस पे आ रही है, इस पॉइंट पे। लेकिन 21.33 में 21 में कोई एज डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब है आप ये दोनों पॉइंट को जो है वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जी मैक्सिमम वैल्यू इज एट कॉर्नर, मैक्सिमम वैल्यू इज एट कॉर्नर पॉइंट 2/3 और 20/3, ठीक है। हम ऑब्वियसली ऑन रियल ग्राउंड जब बात करते हैं, नहीं असल एक्चुअली जब आप बात करेंगे तो जरा आपने वो 0.33 का डिफरेंस कंसिडर करना है, वरना अगर आप देखें तो 21 और इसमें जो है वो डिफरेंस नहीं है। लेकिन चूंकि 0.33 है ज़्यादा, इसलिए जो मैक्सिमम, अब आप मैक्सिमम की बात करेंगे फिर आप सिर्फ इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब वैसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस पर भी मैक्सिमम तो नहीं है लेकिन नियर टू मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, इसलिए हम जो फाइनल आंसर लिखेंगे उसमें आप सिर्फ इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे।